नमस्कार दोस्तों, मैं ईशल, मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को दो जॉब अपॉर्चुनिटीज का अपडेट देने वाला हूं, तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों, जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी है वो पोस्ट की गई है दोस्तों जोहो कंपनी की तरफ से, और दोस्तों यहां आपको रोल मिलने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपर का। यहां दोस्तों टेस्ट डेट भी दे रखी है, ईयर ऑफ पास आउट की बात करता हूं तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2020 एंड 2021 बैच एलिजिबल होने वाला है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो दोस्तों आपको डेवलपिंग करनी है, टेस्ट करना है, इंप्लीमेंट न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग भी करनी है, प्रोटोटाइप एंड डेवलप स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशंस। दोस्तों आपको एप्लीकेशंस भी बनानी है। दोस्तों अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं बैकएंड एस एंड बैकएंड डेवलपर आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों यहां इंटरव्यू प्रोसेस मेंशन कर रखी है कि द एंटायर इंटरव्यू प्रोसेस विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। दोस्तों सब कुछ आपका ऑनलाइन होने वाला है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल गेट एन ईमेल कंफर्मेशन फॉर द लेवल 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑन सेप्टेंबर 1। दोस्तों आपको सेप्टेंबर 1 को आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। नोट की बात करता हूं तो दोस्तों शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म बाय ईमेल। दोस्तों अगर आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल से। मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द नेक्स्ट राउंड विल बी सेंट इन द कॉल लेटर। दोस्तों आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कॉल लेटर पे। प्लीज डू नॉट अप्लाई इफ, दोस्तों अगर आपने जो मैं लास्ट 3 महीने में अप्लाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 2022 बैच स्टूडेंट्स एलिजिबल ही होने वाले, तो एक ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट दोस्तों 31 अगस्त है, तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो दोस्तों आपको सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कॉलेज नेम, डिग्री, डिपार्टमेंट, ब्रांच, ईयर ऑफ पासिंग, डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, एड्रेस, सिटी, स्टेट, अटैचमेंट इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दीजिएगा और अपना लेटेस्ट रिज्यूमे अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों ऐसे आप बड़ी आसानी में जो हो अप्लाई कर सकते हो। और मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताता हूं, उससे पहले दोस्तों मैं आपको री लेवल प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं, जिसके बारे में दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार इन्फॉर्म कर चुका हूं। तो दोस्तों मैं पहली बता दूं, री लेवल प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री हो चुका है। अगर दोस्तों आप पे 0 से 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसमें अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। 50 से ज्यादा कंपनीज दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर हायरिंग कर रही है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा स्कोर लाते हो, टॉप 50 में लाते हो, तो दोस्तों आपको मैकबुक भी मिल सकता है, एप्पल की वॉच भी मिल सकती है। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। 3 डोमेन में दोस्तों आपको जॉब मिल सकती है, फ्रंट एंड में मिल सकती है, बैक एंड में भी मिल सकती है। बाकी दोस्तों अगर आपको एनालिटिक्स का शौक है तो आप इसमें जरूर अप्लाई करिए। तो एक रिक्वेस्ट है, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दूं, जो कि पोस्ट की है पैरेलल फायरलेस कंपनी की तरफ से। यहां दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर RT RIC का रोल मिलने वाला है। बैंगलोर दोस्तों इसमें आपकी लोकेशन रहने वाली है। फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है, पुणे बैंगलोर। व्हाट विल यू डू, कैंडिडेट विल बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन अ प्रोजेक्ट टीम टास्क विद डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड नेटिव प्रोडक्ट्स इन ओरन रियल टाइम RIC। व्हाट वी वांट दोस्तों, इन लोगों को चाहिए कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, C++ में वर्किंग नॉलेज इन एनी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन या गोलैंग, वर्किंग एक्सपीरियंस इन एनी लिनक्स बेस्ड OS, एक्सपोजर टू क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज इन डिजायर्ड बट नॉट मस्ट, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड ट्रबल शूटिंग स्किल्स भी दोस्तों आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैं समझता हूं दोस्तों अगर आपकी स्टार्टिंग की 3 चीजें भी आती है, मैं समझता हूं आप में से हर किसी को कोई ना कोई लैंग्वेज आती होगी और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी होगी, साथ ही साथ आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में पाइथन या गोलैंग, पाइथन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आती है, तो अप्लाई जरूर कीजिए। OS के बारे में नॉलेज है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। बात कर सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो BE BTech मास्टर डिग्री ME MTech के स्टूडेंट्स एलिजिबल होने वाले हैं, 2021 पास आउट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, साथ ही साथ दोस्तों आपकी 75% 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। बात करते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपली यार इस अप्लाई फॉर दिस जॉब पर क्लिक करना है, ये वाले टैब पर आ जाओगे। यहां दोस्तों आप लिंक्डइन प्रोफाइल भी अटैच कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप अपना रिज्यूमे अटैच करते समय ध्यान रखिएगा अपना लेटेस्ट प्रोजेक्ट, लेटेस्ट इंटर्नशिप कुछ भी कर रखा है तो उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर, आप अगर कोई कंपनी में काम कर रहे हो उसके बारे में मेंशन कर दीजिएगा। लिंक्डइन का URL, यहां दोस्तों कोई भी URL मैंडेटरी नहीं है। अगर दोस्तों आपके जो URL है आपने मेंटेन कर रखी, अपनी वेबसाइट मेंटेन कर रखी, अपनी लिंक्डइन की जो वेबसाइट है मेंशन मींस मेंटेन है तो जरूर मेंशन करिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपको जॉब क्यों चाहिए, ऐसा कर मेंशन कर सकते हो कि सर
सी सी प्लस प्लस पाइथन पर अच्छी खासी नॉलेज है एंड अब मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां मैं सारी स्किल्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकूं कि जब मेरे को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाए तो मेरे को इस कंपनी में जॉब चाहिए। तो ऐसा करके दोस्तों आप लिख सकते हो, तो एक रिक्वेस्ट यार इन दोनों ही जॉब अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर बाकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने पोस्ट कर रखी है माइंडट्री, ईपैम, कैपजेमिनी की तरफ से, तो दोस्तों इन सभी अपॉर्चुनिटीज में जरूर अप्लाई करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।